चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 5, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ चैप्टर 8 एंड द चैप्टर नेम इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बच्चों आज हम जानेंगे कि एक्सपेंशन क्या है एंड कंट्रैक्शन क्या है। एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार होना, किसी भी चीज़ का वृद्धि होना, बढ़ना, और कंट्रैक्शन मीन्स होता है संकुचन होना, सिकुड़ जाना, छोटा होना। व्हेन एनी मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट काउजिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। व्हेन एनी मेटल ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तितर बितर इधर उधर मूव करने लगते हैं, फैलने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के साइज में भी इंक्रीजिंग होती है, वो ऑब्जेक्ट भी बड़ा हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, यानी उसका विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट, व्हेन द मेटल इज कूल्ड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। यही दूसरी तरफ जब हम मेटल को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है उस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है और डाउन होने लगता है, और वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंट्रैक्शन कहलाता है, यानी उसमें संकुचन हो गया, वो छोटा हो गया। तो इस तरह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दो प्रोसेस हैं। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम एक आइस लेते हैं और उसे हीट देते हैं, तो क्या होता है उसके मॉलिक्यूल्स हीट में आकर के मूवमेंट करने लगता है और बढ़ जाता है, तो उसका विस्तार जो सॉलिड का साइज था और जब वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसका विस्तार बड़ा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और जैसे ही हम उसे कूल करते हैं, उसे ठंडा करते हैं, लिक्विड को जब फ्रीज करते हैं, तो वो उसका शेप छोटा हो जाता है। तो इस तरह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दो प्रोसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट बड़ा और छोटा होता है। थैंक यू।